में विश्वास है, हमारी बात हमारे ओबीसी ओबीसी की जनता की आदर पर, जो आवाम की तकलीफ है, फैक्ट्रियों में हो, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर हो, हर जगह हमारे साथ अन्याय बोलते जा रहा, हम बोलते जा रहे हजारों साल से, जबकि ये कमेटी बनने के बाद भी हमारी कोई सुन रहे नहीं। हिंदुस्तान में कोई कमेटी को एसीएसपी को वो क्रिमिनल नहीं है, हमारे केकेर को क्रिमिनल है। और हमारा प्रमोशन उनके साथ भी अन्याय हो रहा, वही एसीएसपी का बैकलॉग हुआ, वो बैकलॉग वैसे रहता जब तक उनका सही आदमी मिलता, सही वर्कर मिलता, उसी को नौकरी मिलता। हमारी पूरी जो बैकलॉग है थोड़े दिन लगते, उसके बाद फिर अपर क्लास को दे देते। ये आप सुनने की बात है, जब बदलाव उत्तर प्रदेश से तालुका करते हैं, आपको सब कुछ मालूम है। मेरा बोलने का मतलब है, मैं भी बहुत दिन से रहा ओबीसी पार्लियामेंट वाला बोल के, ओबीसी मीटिंग लालू प्रसाद यादव हुकुम नारायण सिंह यादव से लेके सभी लोग हमारे साथ रहने लिए। उसके बाद ओबीसी कंपनी बनी, उसके बाद हमारी सरकार में सभी लोग इस पर ताबूत दिया, एमपी दिया, वो भी थी पार्लियामेंट कंपनी के बनने बाद हम यही की विश्वास रखे, यूनानिमस डिसाइड करे कि भी है हटाना हटाना, सभी लोग इसके ऊपर सभी मदद मिला, मगर आज तक फिर भी नहीं हटा। अगर मैं एमपी बन गया नहीं तो हमारा नौजवान भाई गवर्नमेंट में जाऊंगे ज्वाइन होता, उसका क्लर्क तनख्वाह 25,000 रहता, पे कमीशन के द्वारा 7-8 पे कमीशन में उसका नौकरी, जो सेक्शन ऑफिसर बनता उसका तनख्वाह 80,000 होते ही क्रिमिनल आ जाता, लाभ हो जाता। अब जब कभी एमआरवा के पास जाएंगे तो पूछता क्या तुम्हारा फादर का तनख्वाह कितना है, लेटेस्ट सर्टिफिकेट का, जैसे हमें 80,000 बोलते आपका 8 लाख का ये सालाना इनकम है, 8 लाख से बढ़ते ही उनका फैमिली का सब सब दो रिजर्वेशन होगी। ये कब तक चलेगा भाई, हमारे अकेले को कोई नहीं, ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्यों रखते, तनख्वाह का प्रॉब्लम क्यों रखते, वही एसएससी में आएगा, एसएससी वाले उनका बेटा रहता, उनकी बेटी रह जाए बनती, पुलिस ऑफिसर बनता, हमारे लोग बच्चों के साथ दायन सब, यह सुनने की तरह है। और एक बात, आज हिंदुस्तान में कांग्रेस के एमपी फॉर्मर एमपी के नाते बुरा नहीं समझना, जब पब्लिक सेक्टर बना हिंदुस्तान आजाद नहीं हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू पब्लिक सेक्टर लाया था, उसके बाद इतने पब्लिक सेक्टर बीएचएल बना, बीएचपी बना, ईसीएल बना, बीडीएल बना, और ये बड़े बड़े इंडस्ट्रीज भी आज प्राइवेटाइजेशन को रहे। विशाखा स्टील ना जन्म हकू बोले, ये स्टील की वजह से हजारों लोग लाखों लोग जिंदगी उधार रहे, कंपनी में काम रहे नहीं, बाद में भी एंजीनियरिंग बनाने वालों को कितने लोग बेघर हो जाए। प्राइवेट वाला क्या करता भैया, अपने रिश्तेदारों को बन देता, रिजर्वेशन हमारा जाता, बीसी नहीं है खावल एसीएल वालों को आज रिजर्वेशन पब्लिक सेक्टर में मिलने का है। हम कहा जाएंगे, ये नरेंद्र मोदी बदल में एमपी के लोग 80 एमपी को लेके गए। मैं बोला नरेंद्र मोदी जी हमारी खुशकिस्मती है, एक हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री एक ओबीसी बना, महाराज हमारे साथ नाइन चल रहा, आप चेयरमैन के नाते आप भी एमपी से रिजर्वेशन लेना चाहिए। ये हटाने का लेते राष्ट्र में अभी थे यूनानिमस रिजर्वेशन दिए थे, उसका कोई आज तक कोई पूछने वाला नहीं है, देखने वाला नहीं। और दूसरी बात, आज हम देखते हैं पब्लिक सेक्टर के अलावा दूसरी बात, आज रिजर्वेशन में भी हमारे साथ रहने वाला प्रमोशन में, जब एसएससी का मंत्री बनता सोशल जस्टिस में उन्नो बनते, हमारा मंत्री नहीं बन सकता क्या, मोर दैन 63% पॉपुलेशन है हमारे साथ, 9 तक भी क्या होता। अच्छा
majority of the people, अरे majority area भैया हिंदुस्तान में रात से लेकर सब तक लेकर बैठ कर हमारा आबादी है. मैं तेलंगाना से ताल्लुक रखता हूँ, हमारा भी 54% है. वैसी तमिलनाडु में एक ही जगह ईमानदारी से काम हो रहा, वहां रिजर्वेशन बराबर अमल होता, पर देश में क्या अमल हो रहा भैया? तो इस वजह से मेरी गुजारिश है, एक तो क्रिमिनल हटाना, दूसरा पब्लिक सेक्टर आप प्राइवेट में ले लेंगे, अदानी अंबानी का लाभ होगा, हम आप तो फेकर रहेंगे, जिंदगी भर काम करते रहेंगे, मट्टी उठाएंगे, पेड़ उठाएंगे, बगल हमारी कोई देखने वाला नहीं. अब चेयरमैन अब बोल सकते हैं, अब देखो हमारे साथ क्या क्या इंटरव्यू हो रहा, इतना बड़ा मीटिंग तय करके रो रहा है, इवन मीडिया भी नहीं आता साहब हमारा सुनने के वास्ते. अगर कोई पॉलिटिक्स में झगड़ा हो रहा चीफ मिनिस्टर के या अपोजिशन के रहने में, तो वो हेडलाइंस डालते सुबह उठे उठकर फोटो दे दूंगा क्या कर रहे हैं. अरे भाई हमारी भी सुनो, अभी आदमी है, हमारे बच्चे हैं, अभी परवरिश कर रहे हैं, हमारी सुनने वाला इवन मीडिया का हमारे साथ दो कर रहा, मीडिया का फर्ज क्या होता है क्या? इतना बड़ा मीटिंग कर ये डिप्टी स्पीकर हाल में हो रहा, मीडिया वाला लेकर वही करना नहीं जाएगा, फोटो निकाल के दे रहा सालों साल, दे रहा सालों साल. अब आप अब तक भी बता देंगे पूरा हमारा जो ले लेते इसके ऊपर भी आप खोलना चाहिए. जब कभी मोदी जी का मीटिंग होता मीडिया बराबर अटेंड होना चाहिए, उनका प्रॉब्लम आप तक पहुंचना चाहिए ताकि आप पार्लियामेंट में पूछ सकते. तो मैं ये कहना चाहता हूँ पब्लिक सेक्टर रिजर्वेशन हटा के पब्लिक सेक्टर प्राइवेट वाले को देंगे तो हमारा SC ST का कोई बाधा नहीं देगा, पर उस पर रिजर्वेशन भी लाने का काम करो. अब रिजर्वेशन हटाएंगे तो फिर आ जाएंगे भैया, अब तो लोकल लैंग्वेज से परीक्षा आते इंग्लिश मीडियम में, पैसे पैसे वाले करोड़ बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते, गांव से आते 10 किलोमीटर पैदल चल के स्कूल को जाते बच्चे, हमारे बच्चे के साथ कॉम्पिटिशन में करते, नौकरियों में भी बराबर एक मिनिस्ट्री बनना चाहिए, वो जैसी मिनिस्ट्री रहना चाहिए, उसका पर्चा करना चाहिए. हर साल कितना खर्चा करते, 5 साल में कितना खर्चा करते, आबादी के लिहाज से उनका बजट भी बढ़ना चाहिए. एग्रीकल्चर का मतलब उसके बाद एग्रीकल्चर ही नहीं, पुलिस का मतलब सब चीज का भत्ता, मगर वो किसी का कोई बजट ही नहीं. कब तक चलेंगे भैया ये? एक दिन ऐसा जाएगा हिंदुस्तान का ओबीसी ताकेंगे रोड पे आएंगे तो फिर इसका नुकसान सरकार उठाना पड़ेगा. आज भी सवाल करेगा कब तक खराब करता, जब उसकी माइंड सेट खराब हो जाएगा तो रोड पे आएगा, जब सरकार का नुकसान होगा. क्यों भाई? SC ST का मिनिस्ट्री रहता, एग्रीकल्चर मिनिस्टर रहता, हर दिन इलेक्ट्रिक का मिनिस्टर रहता, ओबीसी का मिनिस्टर रहने में क्या नुकसान है? अब आबादी में नहीं है, अब और परेशान रहा तू बोलना अपनी पार्टी हो, मगर बीसी अभी वोट डाल देना, आबादी के लिए ऐसा हमारा रिजर्वेशन देना नहीं देना, तो आबादी के लिए ऐसा हमारा हमारे बच्चों की तो प्रमोशन नहीं देते, वो भी सी रहते वही रहता है वो भी सी. अरे भगवान बना है भाई, तू भी आप दिया हमारे भी बैठ गया, आपको सर दिया हमारे साथ ना इंटरव्यू क्यों होता? मैं सही बोल रहा हूँ नरेंद्र मोदी जी, आप इसके बारे में सोचना चाहिए, मैं सही बोल रहा हूँ. मैं बड़ा खुश था नरेंद्र मोदी जी जिस वक्त हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बना, बोल गया अमित शाह बोला इस हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री वो भी सी बोला. अरे अब तो इतना खुश हो रहे मिठाई खानी है छा करे, अरे हमारा आदमी आया है, अभी तक धाके वाले वही बैठे हुए. तो इस वजह से मैं आपसे रिक्वेस्ट है, एक तो मिनिस्ट्री रहना ओबीसी का उसका बजट रहेगा, दूसरी बात क्रिमिनल हटाना चाहिए, तीसरी बात प्राइवेट सेक्टर में तुम देंगे कोई भी गति तो हमारा रिजर्वेशन बराबर अमल होना, अमल होना, अमल नहीं होना बराबर रोड पे आएगा नहीं चलेगा. तब तक हमारे साथ नहीं चेक होता कोई बात में ज्यादा नहीं कहते रहे. एज ए ओबीसी पार्लियामेंट कमेटी चेयरमैन के नाते पार्लियामेंट्री कमेटी आप चेयरमैन बने, सरकार आपके हाथ में है, ओबीसी का प्रधानमंत्री देश में है, आप इंसाफ करिए.
ज्यादा बराबर आप अपने बराबर आपको एक शुभकामना दे का दिए और पार्लियामेंट कमेटी में विषय बनना चाहिए। जब कभी मंत्री बनता ओबीसी का पार्लियामेंट भी बनना है और प्राइवेट सेक्टर में मैं जानता हूँ तो मेरी कोशिश है पब्लिक सेक्टर प्राइवेट नहीं करना। सरमादारों का पार्टी हो जाएगा, सरमादारी देंगे और गरीब ला जाएंगे। अगर पब्लिक सेक्टर में ये रिजर्वेशन है तो आप सब ये रिजर्वेशन के मेरी बहन या बेटे में तो रिजर्वेशन में है, मगर वही रिजर्वेशन अगर पब्लिक सेक्टर लेके प्राइवेट आ चुकी है तो उन्हें क्यों ना दी जाता अपने पहले ही जाते। तो इस वजह से मैं ज्यादा नहीं कहकर फिर एक मंत्र आई विल रिक्वेस्ट और ऑनरेबल चेयरमैन राजेश वर्मा जी आप आए फिर एक मंत्र आपको शुक्रिया करते। आई होप कैप्टन जी अवर प्रॉब्लम आफ्टर लिसनिंग एवरीथिंग इन योर मीटिंग वेन एवर दी हर योर मीटिंग पार्लियामेंट्री कमिटी फॉर ओबीसी ये इश्यू बराबर देना चाहिए और इसको अमल करेंगे तो आपको भी याद रखेंगे नरेंद्र मोदी को भी याद रखेंगे। नहीं तो गुजारा पड़ेगा अरे कोई नरेंद्र मोदी तब प्रधानमंत्री कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर नरेंद्र मोदी वो भी जगह अगर नरेंद्र मोदी याद रखते आज भी पंडित जवाहरलाल नेहरू को क्यों याद करते पब्लिक सेक्टर लाया हिंदुस्तान आजादी के बाद एक सुई भी नहीं सकती थी। आज पब्लिक सेक्टर आने की वजह से आज हिंदुस्तान आगे बढ़ा। अब प्राइवेट करने से हमारा नुकसान होगा। फिर एक पड़ता विशाखा स्टील जो प्राइवेट कर रहे अदानी अंबानी को देना नहीं प्राइवेट सेक्टर वैसी पब्लिक सेक्टर वैसी रहेंगे तो हमारे बच्चे खुश होंगे। आने वाले दिनों में आपको याद रखेंगे, आने वाले दिनों में नरेंद्र मोदी को याद रखेंगे, नहीं तो आपको भूलना पड़ेगा, भूलना पड़ेगा। नमस्कार, जय हिंद।